नमस्कार दोस्तों, जीके विद राकेश की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण खेल से संबंधित 35+ MCQs पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। दोस्तों आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और दोस्तों खेल से संबंधित एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, ये टॉपिक कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर खेल के संबंधित आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो एक नंबर आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आपकी कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस बेल आइकन भी दबाएँ ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूकी वावरी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आपको बताना है जो कि यूकी वावरी है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये होगा टेनिस, ये यूकी वावरी टेनिस खेल से संबंधित है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। मतलब दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस के लिए दिया जाता है, मतलब दोस्तों ये जो अर्जुन पुरस्कार है तो ये दिया जाता है खेल के उत्कृष्ट के लिए, ठीक है। आप याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो वो खेलकूद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, मतलब DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये फुटबॉल होगा। तो दोस्तों ये DCM जो है वो दिल्ली का एक फुटबॉल क्लब है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये तैराकी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार आपको बताया कि ये खेल से संबंधित है, खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रारंभ कब हुआ अर्जुन पुरस्कार, तो दोस्तों प्रारंभ हुआ है 1961 में, ठीक है। आप याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉट डाउन बैडमिंटन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। मतलब दोस्तों ये जो शॉट डाउन बैडमिंटन है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों एक होगा आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, कौन, सर डॉन ब्रैडमैन, आप याद रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था। दोस्तों ये रजत पदक पहला रजत पदक थे जो कि 2012 में प्राप्त किया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी, कबड्डी खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछते रहता है कि 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो दोस्तों ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट, क्रिकेट खेल में ही ईरानी कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है। ये आपको पता होगा, सानिया मिर्जा बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है और इसको सब कोई जानता है। तो दोस्तों ये कौन सा खिलाड़ी है, तो दोस्तों ये होगा लॉन्ग टेनिस, ठीक है, लॉन्ग टेनिस खेल से संबंधित है सानिया मिर्जा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर कट किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अपर कट किस खेल से संबंधित है, तो होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से अपर कट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस आपको पता कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी को ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, मतलब यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, बेसबॉल है जो कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से शुरू हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर ये कि जो पोलो खेल है भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों पोलो खेल का भारत का मणिपुर राज्य से प्रारंभ हुआ था, प्रचलन हुआ था भारत के मणिपुर राज्य से। किस खेल का, पोलो का, याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों शतरंज खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है अपना देश भारत को, भारत को ही शतरंज खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये एक पक्ष में बोला है, जैसे क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो इसे ही कि वाटर पोलो की एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, दो पक्ष में होता है 14, लेकिन ये एक पक्ष पूछा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। मतलब दोस्तों कौन सा वो खेल है जो कि महिला पुरुष दोनों साथ में खेलते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्फ बॉल। ये कार्फ बॉल खेल जो है ये पुरुष और महिला दोनों साथ में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों दादा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी, तो इसको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। मतलब दोस्तों जो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब कितने समय तक खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 90 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जो कि 90 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। दोस्तों मतलब साइकिलिंग जो है वो उसका परिसर को क्या कह लेते हैं, तो दोस्तों ये होगा वेलोड्रम। ठीक है, वेलोड्रम जो कि साइकिलिंग का परिसर कहा जाता है, मतलब दोस्तों वेलोड्रम में ही साइकिलिंग खेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन्ग टेनिस से है। तो लॉन्ग टेनिस, सुब्रतो कप, नेहरू कप, ये तो लॉन्ग टेनिस से नहीं है, आपको पता होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए डेविस कप, डेविस कप ही लॉन्ग टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो कप किस से संबंधित है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, फुटबॉल खेल से ही यूरो कप का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो ओलंपिक खेल है वो 4 वर्ष के अंतराल में खेला जाता है, जैसे 2018, तो हो जाएगा दोस्तों 4 साल बाद 2022, ये 4 साल के अंतराल ही खेला जाता है ओलंपिक गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ओलंपिक खेल सबसे पहले हॉकी के लिए मिला था स्वर्ण पदक, तो ये
किस साल जीता था? तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1928। 1928 साल में ही हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20.12 मीटर। ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है वो कि मीटर में, और गज में पूछा जाए तो दोस्तों 22 गज होता है। ठीक है, ये गज में भी कभी कभी पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो दोस्तों पेनल्टी स्ट्रोक जो कि हॉकी, पेनल्टी स्ट्रोक मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये रहता है फुटबॉल जहाँ गोल किया जाता है, मतलब यहाँ से जो कि पेनल्टी मारते हैं, तो कितना दूर से मारते हैं पेनल्टी, वही पूछा आपको क्वेश्चन में। तो होगा दोस्तों 8 गज, 8 गज की दूरी से ही पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल खेल से संबंधित है कोपा कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आयरन खेल का संबंध किस खेल से है? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। गोल्फ खेल से ही संबंधित है आयरन शब्द, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनामैन शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चाइनामैन खेल का किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि क्रिकेट का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको हम लोग चाइनामैन के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों कौन से खिलाड़ी का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल निम्नलिखित में से किस देश का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल नाडाल किस देश का है? तो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन का ही है राफेल नाडाल। कौन से खिलाड़ी है? तो होगा लॉन टेनिस। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला वन से संबंधित है? दोस्तों ये फॉर्मूला वन क्या है? ये तो एक बाइक रेसिंग है। तो दोस्तों ये कौन सा खिलाड़ी है जो कि फॉर्मूला वन से संबंधित है? तो वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नारायण कार्तिक कैनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि फॉर्मूला वन से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी स्टडी रिलेटेड चैनल है उस चैनल में हमारी वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।